क्या नाम है? क्या नाम है? हसीना। कितनी उम्र है? 60 से तो ऊपर बहुत लगे। 60 साल ऊपर हो गए। 60 से ऊपर हो गई है। तो कहाँ के रहने वाले अम्मा? हैं? बरेली। बेटा मेरा सामान नहीं दे दिया है। मेरा सामान कौन नहीं देगा? किराया। क्यों? पैसे आ रहे। कितना किराया तुम्हारा? 1600 रुपये जाएंगे बेटा। 1600 रुपया क्यों नहीं दे रहा तुम्हारा किराएदार? तुम्हारा वो सामान पैसे रुक रहे हैं। पैसे रुक रहे हैं तो आप कहाँ रह रही हो? अब मैं किसी और कहने रह रही। तो घर में कौन है कमाने वाला? कौन? कोई नहीं। कोई नहीं है बेटा? शोहर कोई तो होगा ना? नहीं, नहीं, कोई नहीं। तो 30 साल से ऐसे ही बस वो कर रहे हो, माँ की कर रहे हो? नहीं तो मजबूरी करती कि कूलर टूट गया बेकार हो गया। कूलर टूट गया बेकार हो गई। ये खोल के दो भाई। ये खोलो इसे। अल्लाह तुम्हें खूब दे बेटा। तो क्या सामान है तुम्हारा घर में? बड़ा बक्सा है एक और बर्तन है बस। और कम्बल उम्बल। अम्मा का मकान मालिक जो है, मकान मालिक ने इनका सामान है वो सामान नहीं दिया इन्हें, क्योंकि इनके पास उनको देने के लिए 1600 रुपये नहीं थे। और इस वजह से अब रहती कहाँ? बस ऐसे ही रहती हो अम्मा, मतलब किसी कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। अच्छा हाँ। इतनी बीमारी है, बीमारी में क्यों बाहर निकलती है? तुम्हें पता है बीमारी है? अरे मुझे बेटा कुछ नहीं होएगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा? मैं क्यों मरूंगी बेटा? मुझे मौत नहीं आएगी। मुझे मौत नहीं आएगी। मौत क्यों नहीं आएगी तुम्हें ये बताओ? क्यों परेशान हो, रो क्यों रही हो? क्यों रो रही हो बताओ फिर मदद करें। क्यों परेशान हो? अब यही परेशान हो, ना कम्बल है, ना खटिया है दिए, ना बर्तन है, ना बड़ा बक्सा, कुछ नहीं दिया। और घर में कमाने वाला कोई नहीं है? तो आपके शोहर का इंतकाल कैसे हुआ था? टीवी हो। टीवी। तो बच्चे बच्चे कहाँ हैं? एक लड़की। लड़का कोई नहीं है? तो लड़की की शादी कर दी होगी? वो अपने घर बरेली में। बरेली में। देखो अम्मा आप, हम तुम्हारे घर जाएंगे, तुम्हारा घर देखेंगे हम जाके। तुम्हारे पैसे जो किराए के देने हैं वो मैं दूंगा, ठीक है ना? पूरे किराए के पैसे इंशाल्लाह मैं दूंगा। प्लस अगर आपका कमाने वाला कोई नहीं है घर पे और आप मांगती हैं तो हर महीने राशन, पूरे महीने का राशन मैं आपको दूंगा, ठीक है ना? मांगना छोड़ दोगी या नहीं? हाँ छोड़ दूंगी। छोड़ दूंगी। ऐसा तो नहीं कि मांगना नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ूंगी ना, मांगूंगी। फिर बेटा मुझे बैठ के मिला खाने। पूरे महीने का राशन देंगे आपको, ठीक है? और कोशिश करेंगे कि आपका कमरे का किराया भी दें, ठीक है? लेकिन एक वादा करना पड़ेगा कि आपको मांगना नहीं है। नहीं मांगूंगी। अम्मा है बरेली की, एक बेटी है, एक बेटी अम्मा की, और बेटा कोई है नहीं। और अम्मा मांगती है इस हालत में भी, इनको अभी हमने एक बैसाखी दी है। बैसाखी पहले वाली बैसाखी? पहले वाली रक्षे में रहेगी। रक्षे में रहेगी थी। चुला लेने दूसरी दे देना। नहीं है अभी हम भेजेंगे साथ में अम्मा के, इनका घर देखेंगे, इनके किराएदार से मिलेंगे, इनके मकान मालिक से मिलेंगे, और जो भी इनका बकाया है वो इंशाल्लाह पूरा बकाया देंगे। और उसके साथ साथ अगर इन्होंने मांगना छोड़ दिया, आपने अगर मांगना छोड़ दिया, तो आपको हर महीने पहली तारीख को आपका पूरा राशन और एक महीने का किराया मकान का वो मैं दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना? लेकिन वादा करो। नहीं बस बेटा आपके, वादा करो कि आप मांगोगी नहीं। नहीं मांगूंगी बेटा, अपनी कसम नहीं मांगूंगी। नहीं मांगूंगी बेटा, मुझे खाने को मिलेगा मैं क्यों मांगूंगी बेटा? मैं नहीं मांगूंगी। घर में राशन वो कौन बनाता है? घर में खाना वाना कौन बनाता है? खुद ही बनाते हो? और रोटी खा लो, कोई खिला। चलिए अभी हम इंशाल्लाह इनको इनके घर पे जाते हैं, उनके जो मकान मालिक हैं उनसे मिलेंगे, इनका सारा किराया देंगे, इनको हर महीने राशन देंगे, और इनका जो किराया है इंशाल्लाह जब तक ये यहाँ रहती हैं हमारे आसपास इनका किराया देंगे। हमेशा मैं कहता हूँ ऐसे लोगों की मदद किया करो जो आपकी मदद के मुस्तहिक हैं, जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है। ऐसे आसपास दाएं बाएं आपको ऐसे लोग मिलेंगे। तो शुक्रिया बहुत बहुत, खिदमत करते रहिए। पता नहीं किसकी दुआ लग जाए, अल्लाह ताला किसकी दुआ कबूल कर ले। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।